दरअसल इन दिनों प्रदेश में लगातार बारिश का दौर चल रहा है। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। अब बात करें पेंड्रा इलाके की तो यहाँ पर भी पिछले कुछ दिनों से रुक कर लगातार बारिश हो रही है। बारिश से लोग परेशान है। ऐसे में छत्तीसगढ़ पूर्व पश्चिम रेल परियोजना के काम करने वाले इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के ठेकेदार के द्वारा पेंड्रा रोड के सारभरा के गोरा रोड तक बनाए जा रहे रेल कॉरिडोर के ठेकेदार और इंजीनियरों की लापरवाही के चलते पेंड्रा के गिरारी गांव में रहने वाले दर्जन भर ग्रामीणों की चिंता बढ़ाती है। जहां पर निर्माणाधीन रेल लाइन के किनारे पानी की सही निकासी नहीं बनाए जाने के चलते ग्रामीणों की लगभग 50 एकड़ की खड़ी धान की फसल पानी में डूब गई। तो दूसरी ओर अब बारिश का पानी धीरे धीरे सड़क किनारे स्थित उनके कच्चों घरों तक पहुंच रहा है, जिससे ग्रामीणों को अपनी घटना की चिंता सताने लगी है। ग्रामीणों की माने तो उनके द्वारा कई बार पहले भी इस वर्ष भी उनके घरों के पास पानी निकासी की समस्या को लेकर शिकायत की गई थी। स्थानीय प्रशासन के साथ ठेकेदार और रेलवे के जवाबदारों तक पहुंचाई गई, पर जवाबदारों ने अपना पल्लड़ा झाड़ लिया, उनकी सुध भी नहीं ली। इसके चलते आज खड़ी फसल बारिश के पानी में डूब गई। वहीं ग्रामीणों की माने तो अगर बारिश एक दो दिन और गिरता है तो बारिश का पानी उनके घरों तक पहुंच जाएगा, जिससे कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। हालांकि जब मामले में हमने इरकॉन इंटरनेशनल कंपनी के ठेकेदारों से प्रतिक्रिया लेनी चाहिए तो उनकी ओर से जवाब नहीं मिला। उनकी चिंता भी लाजमी है, तो स्थानीय प्रशासन मामले को संज्ञान में लेकर जल्द पानी निकासी की व्यवस्था कराने की बात कर रही है। अरविंद सिंह की यह खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सजनिया भाई। सजनिया भाई, बताते कहाँ का लफड़ा हो गई से, कहाँ यहाँ पर खड़े हो तुम लोग? यहाँ इसलिए खड़े हैं कि पूरा पानी फैल दिए घर पर 10-12 घर के, और ये ऊपर लावा 10-20 घर करके हमारा की बाजब। अगर पानी और गिरेगा तो क्या होगा? और पानी गिरी तो हमारा खटिया उतान है, क्या हुई घर में पानी घुस जाएगा। हा? तो क्या इन लोग आए, कोई अधिकारी कर्मचारी आए हैं? नहीं आए, कोई नहीं आए। आवत तो फिर कहे के इतना बहस हो। और यहाँ पर पूरा खेत रहा बता रहे, पूरा पानी धान बोआ गए सर, पूरा खराब तो फसल गया खत्म। कितना एकड़ रहा होगा यहाँ पर खेत? अरे इतना एकड़ हो बताओ, 10 एकड़। 10 एकड़ होगा आए, तो मैंने दिक्कत तो है ना? हाँ बहुत दिक्कत है सर। तो शिकायत करे आप लोग की यहाँ पर? अरे गए कई बार हुआ आवेदन डाले, कोई नहीं आया आज तक। अब मौसम क्या बोल रहा है, मौसम का कैसा है अभी यहाँ का? अभी तो यही दिख रहा है कि बादल पानी एकदम बरसा थे, आदमी पड़त मरा थे, मने समस्या हो जाएगी। कौन के जाए, कहूँ जगह मिले ना कुछ। अगर पानी और गिरा तो घर वर भसक सकता है? अरे पानी और गिरी था तो घर भसक के घर में आदमी मार के उत्तान जी। यहाँ पे जो है रेलवे विभाग की लापरवाही के द्वारा कारण जो है यहाँ पानी भर रहा है। यहाँ पुल का निर्माण नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पानी का जमा हो रहा है, जिसके कारण पानी घर में घुस रहा है। इससे क्या है, जनधन की हानि हो सकता है, फसल नुकसान हो चुका है, करीब 50 एकड़ धान के फसल बर्बाद हो चुका है अगर पानी के भरने से। प्रशासन को आपने जानकारी दी क्या, उसके बाद कुछ हुआ? प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि यहाँ पर जो है रोड में वो पानी निकासी बनाया जाए करके पुल बनाया जाएगा, मगर आज तक नहीं बनाया गया है। अगर और पानी गिरता 2-4 दिन तो क्या होगा? 2-4 दिन पानी गिरने से सर यहाँ का जो है मतलब घर गिर सकता है, दिक्कत आ सकती है।